हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अजय एंड वेलकम टू माय चैनल एजे इलेक्ट्रिकल ज्ञान। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या हम न्यूट्रल वायर की जगह अर्थिंग वायर को एज अ रिटर्न पाथ यूज़ कर सकते हैं। किसी भी इलेक्ट्रिकल लोड या अप्लायंस को चलाने के लिए वोल्टेज डिफरेंस चाहिए। हमारे घर पर आने वाली सिंगल फेज लाइन में फेज वायर का वोल्टेज 230 वोल्ट और न्यूट्रल वायर का वोल्टेज नियरली ज़ीरो होता है, इसलिए फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज डिफरेंस 230 वोल्ट होता है। इसलिए हम 230 वोल्टेज का कोई भी अप्लायंस फेज और न्यूट्रल वायर से चला सकते हैं। अर्थिंग वायर का पोटेंशियल या वोल्टेज 0 वोल्ट होता है, इसलिए फेज और अर्थिंग वायर के बीच का वोल्टेज 230 वोल्ट होता है। इसलिए अप्लायंस फेज और न्यूट्रल से चल सकता है और फेज और अर्थिंग से भी चल सकता है, मगर अर्थिंग वायर का काम अप्लायंस को चलाना नहीं है। अर्थिंग वायर का काम अप्लायंस की मेटल बॉडी पर अगर फॉल्ट के कारण लीकेज करंट फ्लो होता है तो उसे अर्थ में फ्लो करवाना है, ताकि बॉडी को टच करने पर हमें शॉक ना लगे। पर जब हम अर्थिंग को एज अ रिटर्न कंडक्टर यूज़ करेंगे तो हम अप्लायंस की बॉडी को अर्थिंग नहीं दे पाएंगे, इसलिए हमें शॉक लगने का रिस्क होता है। इसलिए अर्थिंग को न्यूट्रल की जगह यूज़ करने के लिए हमें हमारी सेफ्टी को बाईपास करना पड़ेगा, जो कि सही बात नहीं है। अगर हमारे घर पर RCCB लगी होगी तो जब हम अर्थिंग और फेस की मदद से अप्लायंस को चलाएंगे तो RCCB ट्रिप हो जाएगी। इसलिए अर्थिंग और फेस वायर से अप्लायंस चलाना है तो RCCB को बाईपास करना होगा, जो कि सेफ्टी के नज़रिए से डेंजरस होता है, क्योंकि RCCB हमें शॉक लगने पर तुरंत ही ट्रिप होकर हमें शॉक लगने से बचाती है। इसलिए अर्थिंग को न्यूट्रल की जगह एज अ रिटर्न पाथ हम यूज़ कर सकते हैं, पर सेफ्टी को बाईपास करके, जो कि बहुत रिस्की होता है।